यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सारंग? काफी दिनों बाद आ गए हम तो, राइट? एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव राइट नाउ? जल्दी से आ जाओ बच्चों, सेशन स्टार्ट होने वाला है। वी आर जस्ट लाइव राइट नाउ। यस बच्चों, अभिषेक, हर्ष द्विवेदी, हर्ष, ओके, ऑल आर हियर। वन मिनट, राइट नाउ। ओके, तो बच्चों जल्दी से लाइव हो जाओ। आलिया, यस, वेरी गुड इवनिंग। हर्ष चतुर्वेदी, वेरी गुड इवनिंग। एंड सारंग कदम, यस बच्चों जल्दी से आ जाओ भाई, हम तो आ गए हैं। यस, बाकी सब जल्दी को शेयर करो और सभी को जल्दी जल्दी बुला लो। एंड वी आर ऑन, लेट्स क्रैक नीट यूजी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। और बच्चों आज हम जो अपनी इस नीट सेशन में एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2020 पर वर्क कर रहे हैं, और हम लगभग फिनिशिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। अब इकोलॉजी वाला पार्ट चलना स्टार्ट हो गया है। आज से इकोलॉजी पे हम वर्क करेंगे। इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2020 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर थोड़ी सी बात करेंगे, उनके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज लगभग हमने 28 क्वेश्चंस के आसपास रखे हैं आप लोगों के लिए, तो जिनको आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आंसर्स निकालने हैं, जल्दी से साहब फटाफट लाइव हो जाओ, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। वी आर, तो फॉर न्यू स्टूडेंट दिस इज योर एसपी गौतम सर, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स बच्चों, ट्रेन मोर देन 10,000 स्टूडेंट फॉर नीट एंड एम्स, और मेरा एक्सपीरियंस इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ है, राइट? और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर, यानी चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, राइट? यहाँ पर लगभग 28 क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपना अपना रिचुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं तो जल्दी से लाइव हो जाओ, बाकी सब स्टार्ट करने वाले हैं। यस, ओके, तो विल स्टार्ट नाउ बच्चों, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, राइट? तो ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट नाउ। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ येलो वुड बी बेटर हेयर। तो बच्चों अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज योर प्लस प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म। यहां पर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसके लिए? डेडिकेटेडली फॉर योर नीट 2020 का टारगेट लिया है हम लोगों ने, राइट? और इस टारगेट को पूरा करेंगे हम प्लस के साथ विद डेडिकेटेड क्विजेस एंड टेस्ट नंबर वन, विच इज वेरी मच डिजाइन अकॉर्डिंग टू नीट 2020 पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं बच्चों। इसके साथ ही प्लस में आपको क्या मिलता है? दैट इज योर डाउट क्लियरिंग सेशन। ऑल लाइव क्लासेस आर हियर राइट, वी नो, पर एवरी फोर्थ सेशन, हर फोर्थ सेशन जो होता है वी डिजाइन एज आर डाउट क्लियरिंग सेशन, ताकि बच्चों के डाउट्स बिल्कुल ना रहे, क्योंकि डाउट का इकट्ठा होना ही मेन ड्रॉबैक होता है कंसेप्ट का वीक हो जाना, ठीक है? यहाँ पर लगभग बच्चों प्लस में आपको 50+ एजुकेटर्स मिल रहे हैं जो आपको टीच कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एंड ऑल आर योर टॉप मोस्ट एजुकेटर इन द इंडिया जो आप आज को पढ़ा रहे हैं, राइट? और बच्चों यहाँ पर प्लस में आपको जो कहीं नहीं मिल पाता वो यहाँ पर मिल जाता है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 का इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है यहाँ पर। मैं खुद एस लाइव क्लासेस ले रहा हूँ आपके प्लस पर मेरा कोर्स रन कर रहा है, जहां मैं बिल्कुल फील करता हूँ कि यस, हाँ, मैं 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पर होता है और हम डाउट लेकर पाते हैं प्रॉपर। यहाँ यूट्यूब में कुछ डाउट रह जाते हैं यार, कितना भी करें फिर भी डाउट रह जाते हैं, बच्चों पूछते रहते हैं और वो करने में रह जाता है कहीं ना कहीं, तो उस कमेंट में आता है या फिर उसमें करते हैं, लेकिन वहां प्लस में हम 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू क्लासेस प्रॉपर में डाउट आ पाते हैं प्रॉपर। तो बच्चों ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारा जो बेनिफिट है, आप ले सकते हो अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बाय यूजिंग अ डाउ ये कोड हियर। दैट कोड इज योर एसपी लाइव कोड, जो नॉट ओनली आप 10% डिस्काउंट तो कराएंगे कराएंगे, साथ में इस कोड के थ्रू आप बहुत सारे बेनिफिट ले पाएंगे मेरे साथ गाइड
हो पाएंगे प्रॉपरली, मैं आपको गाइड कर पाऊंगा थ्रू आउट योर एकेडमिक सेशन, राइट। तो बच्चों करना क्या है, आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको अपना नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस में जाकर अपना चूज करना है नीट यूजी पर ड्यूरेशन। जैसे फो अगर ड्यूरेशन अगर हमारे पास मान लेते हैं हम छोटा सा कि यस ड्यूरेशन हमारा अगर 6 मंथ का हमने चूज किया है, ये 6 मंथ एग्जाम्पल लिया है, तो आपको यहाँ पर 6 मंथ की कोर्स फी जो शो होती है दैट वुड बी 24,000 के आसपास। तो इसको आपने रिड्यूस करना है बाय अप्लाइंग एसपी लाइव कोड। जैसे ही एसपी लाइव आप डालते हो रेफरल कोड वाले ऑप्शन में और अप्लाई का टिक करते हो, तो आपकी फीस जो है यहाँ 24 से रिड्यूस होकर 21,600 हो जाती है। तो पहला फंडा 10% डिस्काउंट आपको यहां पर मिल गया। दूसरा आपको मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा पाऊंगा, जो मेरे नोट्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी आपको, प्लस आपको माइंड मैप्स ताकि आप रेगुलर मैनर में जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाए। आपको रेगुलर डीपीपी एंड क्विज प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा जो निमोनिक्स हैं या बहुत सारी टेक्निक जिससे आप आसानी से जल्दी से आप क्वेश्चंस के कम्प्लीशन कर सकते हो, कोर्स को रिवीज कर सकते हो, राइट। तो बच्चों ये आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक कोर्स जो 3 मंथ का है उसकी फीस लगभग एसपी लाइव कोड अप्लाई करने के बाद इट इज अप्रोक्सीमेटली 13,500 पड़ रही है, और जो 6 मंथ का कोर्स है उसकी फीस एसपी लाइव कोड अप्लाई करने के बाद दैट इज 10% डिस्काउंट होने के बाद इट वुड बी अबाउट 21,600 का, राइट। इसी तरह से आप कोर्स कि जितनी भी कोर्स फी है उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस मेरी गाइडलाइंस, राइट। बच्चे इसके अलावा प्लस पर मैं आपको ऑलरेडी मेरा कोर्स है कंप्लीशन पर, इसके अलावा मैं एक और कोर्स लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए आपका रैंक डिसाइडर होगा, रैंक बूस्टर होगा, ठीक है। तो चलो जल्द स्टार्ट करते हैं जल्दी से। दिस इज अवर टीम विच इज वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल डे एंड नाइट, ओके। आपको बच्चों यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है प्लस वीकली मॉक टेस्ट है, ड्रॉपर बैच के लिए वीकली मॉक टेस्ट फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11th। इसके अलावा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बैच ईयर लॉन्ग क्रैश कोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी कॉलेज ओवरव्यू, सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन मिल पाती है। इसके अलावा बहुत सारे मेगा कोर्सेज और माइक्रो कोर्सेज कैप्सूल कोर्सेज सब अवेलेबल है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्रैक नीट यूजी और आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्या बात है, 25 ऑलरेडी देयर, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। कौन कौन है देखो तो सही, आज आज हाउ मेनी स्टूडेंट तो है ओके, लेकिन हो आर हाउ मेनी स्टूडेंट में कौन कौन अवेलेबल है, यस। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जल्दी, पता चलेगा बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे। यस सतविशा, ओके सी ऑप्शन लगाया, ब्लैक डेविल, बहुत बढ़िया, जल्दी से आगे। सर पीछे पहचाना कि नहीं, अरे ब्लैक डेविल तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा आदित्य, इतना जल्दी से तुम यार 2-3 दिन गायब थे, मुझे बहुत मिस हो रहा था, मैंने सबसे पूछा था यार हमारा ब्लैक डेविल कहाँ है, ठीक है, बच्चे तुमसे परेशान रहते थे कई बार तो, है ना। चलो एनीवे जल्दी जल्दी आओ और फटाफट स्टार्ट करो। बिल्कुल सारंग, ईशा जी एंड संतनु घोष जी सी लगाया है, वेरी वेलकम। अमिता तिवारी, हर्ष चतुर्वेदी, अभिषेक कृष्णा यादव, ओके वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों जितने भी हैं तंशिका एंड ऑल, समीर सिंधे जी, निशा अंजुम, आदित्य एंड एडवोकेट एमडी खान जी, ओके ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, दैट शुड बी राइट आंसर सी, एग्जैक्टली यू आर गिविंग राइट आंसर। तो हियर क्या है, दिस इज द एनी एट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल राइट बिहेवियर दैट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट हैबिटेट, दैट इज व्हाट दिस इज योर अडेप्टेशन, राइट। क्योंकि बच्चे आपका आप समझ सकते हो अडेप्टेशन में क्या होता है, आउटकम है एक तरह का, इसमें नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू प्रोसेस इन विच एनिमल और प्लांट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्पीशीज होती हैं अडेप्ट करते हैं टू सर्टेन एनवायरमेंट, दिस इज व्हाट अडेप्टेशन इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा सा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाँ चतुर्वेदी जी, निशा एंड ऑल, तबीयत तुम्हारी ब्लैक डेविल खराब हो गई थी ना, हॉस्पिटल में एडमिट था, ओहो यार बहुत बुरी बात है, चलो ठीक है अब जल्दी से अब तुम अच्छा अच्छा डाइट लो, एकदम न्यूट्रिशियस डाइट लो अच्छे से, धीरे बहुत ज्यादा मुझे कि अब डायरिया वगैरह ऑल दोस्त था तो बॉडी बहुत वीक हो जाती है उस केस में। और मैंने 2-3 काफी सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए थे, काफी बच्चे कह रहे थे सर मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, हमारे फैकल्टी को मेंबर में भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। चलिए तो कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ और सही हो जाओ, अच्छा आपका एग्जाम करना है आपने, हम लोग सभी ने। तो सेकंड का आंसर बच्चों क्या दिया सभी ने, इंसुलेटर दे रहे हैं सभी, ऑल आर गिविंग राइट आंसर,
त्रिपाठी न्यूक्लियस वॉल, बहुत बढ़िया। तनिष्का सही है, सत्यंश सत्विशा सही है, आप कृष्णा यादव सही है, सारंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सील हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, बिल्कुल ठीक है, फैट की एक लेयर होती है, इसको ब्लबर कहा जाता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड एक्ट एज ए इंसुलेटर, यानी कि थर्मल शॉक से बचाता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, चलो गियर अप फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री, जल्दी से जाओ, जल्दी से थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, और आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, माइक्रो प्रेजेंट इन द हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर टेम्परेचर फॉर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस इज, यस, इजी सा है, आसान है, क्या लगाया आप लोगों ने? भाई आंसर लगाया है क्या? बी, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग बी, पर समीर शिंदे जी आपने कहा है ए। तो यार आपने अलग क्यों कहा? साइनोबैक्टीरिया आपने लिया है, चलो मानते हैं, आर्किबैक्टीरिया भी होता है, राइट? क्या तो ऑप्शन नंबर थ्री में बेस्ट जो आएगा, क्या साइनोबैक्टीरिया को कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गी? क्या कहते हो? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्या ब्लू ग्रीन एल्गी बच्चे हाइड्रोथर्मल वेंट में, जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वहां ग्रो करता है? तो आंसर नहीं भाई, नहीं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, दे कैन सर्वाइव, दे कैन ग्रो इन दिस वेरी हाई टेम्परेचर। सो आंसर बी शुड बी योर राइट। चल, हाँ मैंने ब्लैक डेविल सुना यार, काफी सारे, कल हम बच्चों से डिस्कस भी कर रहे थे, का बच्चों ने बल्कि इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे को पता था इसके बारे में, लेकिन काफी बच्चों ने देखी सर, हैदराबाद या इधर वाले एरिया में काफी सारे लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और काफी हॉस्पिटल में करीब कुछ 100 बता रहे थे, आई थिंक 110 समथिंग जो है बेड इसके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, ठीक है? तो काफी बढ़ रहा है, इसको बड़ा ध्यान से लेना है, कि टाइम बहुत केयर की जरूरत है बच्चों। हाँ सत्विंशा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में है बिल्कुल, लेकिन वहां पर हमें हाइड्रोथर्मल वेंट में सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया की बात करनी है सत्विंशा जी, दैट्स व्हाई। तो हमारा क्या है, आपका आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, दैट कैन ग्रो देयर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द एज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट, यानी कि परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और ग्रोथ इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन इन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, एंड क्या कहा जाएगा अगर हम इस प्रोसेस को कहें तो? भाई इसको हम क्या कहेंगे, क्या यस इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ? बहुत अच्छा आंसर है, एज पिरामिड कहा जाएगा इसको, क्या कहेंगे? एज पिरामिड। तो एज पिरामिड है क्या मेरे बच्चों? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शो व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस, जो हमने वहां लिखा है वही सब, वेरियस एज ग्राफ्स इन अ पॉपुलेशन व्हिच फॉर्म अ शेप ऑफ द पिरामिड, राइट, ग्रोइंग पॉपुलेशन में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ठीक है, फोर्थ का डी आंसर आया। चलो क्वेश्चन नंबर सर, प्रिकॉशन के लिए हम कोरोना प्रिवेंट करने के लिए क्या कहें? भाई ऐसा है कि जितना भी ये वायरस फैलता, तो आप जानते ही हो, मीट वगैरह से, यानी फ्लैश से आया ह्यूमन, लेकिन एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में स्प्रेड कर सकता है, ठीक है? तो प्रिकॉशन ये है कि किसी भी अनजान आदमी से या किसी भीड़ वाले एरिया में, जहां पर, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर अवॉइड करना चाहिए। और जितने भी वायरसेस का केस है, आप जब भी बाहर से अंदर आओ, घर में हाथ पैर धो लो अच्छे से, मुंह धो लो साबुन से अच्छे धो लो, तो यही प्रिकॉशन है फिलहाल के लिए, है कि यार इतना प्रिकॉशन लेके हम काम कर पाएंगे, ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन पे बात आते हैं, एज ऑफ पिरामिड विद नैरो बेस इंडिकेट, बच्चों किसी अगर पिरामिड का बेस नैरो है, नीचे वाला बेस अगर नैरो है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? बहुत सही है सारंग कदम, बहुत सही दिया आंसर बी, समीरा सिंधे जी, ईशा जी, बहुत सही, अल्फाज निगम, बहुत बढ़िया, अभिषेक, निशा, अल्फाज, ईशा एंड भार्गवी, राइट है, शांतनु घोष। तो आंसर इज योर बी, फिफ्थ का आंसर बी, यानी लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल के बेस पे यंग इंडिविजुअल शो होते हैं, अगर वहां पर ही कम है इंडिकेटर बेस वाले पॉइंट पर, तो हम बिल्कुल बी की पर जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, आदित्य पांडे ठीक हैं आप, समीरा शिंदे, जतिन कुमार ठीक है, अल्फाज सही हो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, बी सिक्स इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सिक्स डैश इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन हु लेफ्ट इन द हैबिटेट,
एंड हैव गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। क्या कहेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लड्डू वाला क्वेश्चन है यार, सभी का आंसर सही होना चाहिए एकदम सही। एमिग्रेशन बिल्कुल सोचना नहीं है, बाहर चला गया है एक पॉपुलेशन से इंडिविजुअल, बाहर चले गए हैं, एमिग्रेट कर गए हैं। अगर बाहर से अंदर आते पॉपुलेशन के अंदर इमिग्रेशन होता, मॉर्टेलिटी डेथ रेट को कहते हैं, नेटलिटी बर्थ रेट को कहते हैं, तो बहुत आसान था, इसमें कोई भी कम्प्यूटी नहीं है, सबके आंसर 4+ मार्क्स। यहां पर आओ, ये फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए क्या रहेगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ जानते हैं ना आप, इस तरह से चलता सिग्मॉइड एंड न्यूमॉइड, तो अल्टीमेटली अब आपके पास आंसर्स है क्या, dn by dt is equal to rn, या आपका rn by dn is equal to dt, या dn by dt is equal to rn k minus n oblique k, या dn by dt fourth by rn n k minus n। तो क्या कहते हो बच्चों, सी कह रहे हो सभी, कोई ऐसा तो नहीं है सी के अलावा कुछ और जा रहा है। ईशा जी प्लीज चेक करना, ए नहीं मेरे भाई बच्चा, ए नहीं बनेगा इसका आंसर बेस्ट। अभिषेक आप भी चेक करो बच्चा, डी नहीं बनेगा, डी में थोड़ा गलती कर दिया आपने। सारंग आप भी देखो यार, सी बनेगा, डी नहीं बनेगा बच्चे, ठीक है। तो सारंग एंड ऑल, चार पांच बच्चों का थोड़ा सा गलत हुआ है, नो इशू, पर बेचर आंसर आपका क्या है, सी है। कैसे है देख लेते हैं। चलो हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है बच्चों, ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोइंग होता है हैबिटेट में विद लिमिटेड रिसोर्सेज। कहां पर लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, जहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज हो। इससे शो इनिशियली आपको लैग फेज मिलेगा, फिर फॉलोड बाय लॉग फेज, एंड देन एसिलेट करता हुआ फिर स्टैटिक फेज आता है, फिर डिक्लाइनिंग आता है सिम्प्टो टर्निंग पर। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो dn by dt rn k minus n by k। अब यहाँ पर n क्या है आपको ये याद रखना चाहिए, n is nothing, n is your, यानी इसकी बात करें तो n is population, क्या ये population density, क्या है population density at time t, इस particular time period पे population density क्या है, this represent by n। r क्या है यहाँ पर, this r is what exactly, this one, this small r, आर को हम कहते हैं, क्या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट आर इंडिकेट, तो आर इज इंट्रिंसिक फैक्टर, आप लोगों को पता है तो आप भी लिखते चले जाओ साथ साथ, इंट्रिंसिक, यस इन, ओके वन मिनट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज का इंट्रिंसिक रेट के क्या है बच्चों, के ये जो इंडिकेट कर रहा है दिस के इज योर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है जी, इजी हो गया, पॉपुलेशन हो गया यहां पर, एंड के कैरिंग भी आर हो गया, इंट्रिंसिक रेट एंड ऑल दिस, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास 8th क्वेश्चन, इन द ग्रोथ पैटर्न में 1 - n/k इस, ये क्या है 1 - n के, किसको शो करता है ये। ईशा जी ओके ओके इंट्रिक की कैरिंग कैपेसिटी, बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया सारंग, सही है, गुड है। अब 8th का आंसर आया हमारे पास, सभी कह रहे हैं जतिन बच्चा ए नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी ग्रोथ पैटर्न में 1 - n/k की बात करते हो, तो 1 - n/k जो है एग्जैक्टली एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, किसी ग्रोथ पैटर्न में, खाली अगर के की बात करते तब की बात है बच्चे, पूरा जो फैक्टर है, दिस होल फैक्टर इज शोइंग व्हाट, इट इज शोइंग एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, जिसका मतलब होता है दिस एनवायरमेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द एक्शन ऑफ लिमिटिंग अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दैट प्रोहिबिट द पॉपुलेशन, राइट, जो पॉपुलेशन को प्रोहिबिट कर रहा है, ये बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दोनों हो सकते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर की तो काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट हो, इट वुड ग्रो अकॉर्डिंग टू द बायोटिक पोटेंशियल, ठीक। तो आंसर जो मैच करेगा सी पे जाएगा आप, ठीक, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन, ठीक है ऑल ऑफ यू, बाकी सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, 9th क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, बहुत आसान है, अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, तो कौन सा है भाई, स्टैकिन है, कैफीन है, क्विनीन है, ये सारे के सारे हैं ये,
है तो सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये क्या है, प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है प्लांट प्रोड्यूस कर रहा होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में एग्जैक्टली, और जनरली मेन काम होता है इनका कि वो प्लांट को किसी प्रिडिक्टर से बचाए, राइट। तो आंसर जो हो गया ऑल ऑफ दीज हो गया। तो दीज सेकेंडरी कंपाउंड आर प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड दे आर जनरली टॉक्सिक, दे आर जनरली टॉक्सिक और रेपेलेंट की तरह काम करते हैं, यानी एनिमल्स को जो इनको खाएगा वो इसके लिए टॉक्सिक होंगे, रेपेलेंट होंगे। तो ये हार्बीवोर के अगेंस्ट, ग्रेजर ब्राउज़र के अगेंस्ट टॉक्सिक और रेपेलेंट का काम करते हैं, जिससे कि उनका प्लांट पर उसका इफेक्ट कम पड़े, प्लांट उनको एनिमल कम खाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जल्दी से बच्चों आंसर कराओ फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, 10th का आंसर क्या है बच्चा, 10th का आंसर क्या लगा है, ए और सी कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे पास, ए और सी का कॉम्बिनेशन। इस बार का नीट का पेपर कैसा हो सकता है तनिष्का, इस बार नीट का पेपर थोड़ा सा अप जा सकता है क्योंकि एम्स का पेपर जब मर्ज कर रहा है या एम्स आपका जब मर्ज कर रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं चेंज आएगा, लेकिन थोड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके अपर लेवल के होंगे, एमसीक्यू लेवल के थोड़े से अप होंगे, ठीक है। और एसएससी रीजनिंग की बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं गई कि डालेंगे डालेंगे, लेकिन हाँ चांसेस बहुत कम है नीट के पैटर्न में, ओके। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अगर पिछले 7-8 साल के एमसीक्यू जो है एम्स वाले कर लेंगे तो काफी हद तक पेपर को सॉल्व करने में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ेगा वो वहां पर निकाल पाएंगे, उसको आप टेकल कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने, बी लगाया ए लगाया, आंसर 10 का जो बनता है बच्चों, 10 का बी इज कॉम्पिटिटिव रिलीज है ये, दिस इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। एनफ सारंग, एनफ तो है, मैं कहता हूं हमेशा एनसीईआरटी एनफ है, 90% के लिए तो आपको इश्यू नहीं है, जो 10% बच जाता है उसमें हमेशा एमसीक्यू थोड़ा घुमाने वाले होंगे, एडवांस होंगे। तो अगर 90 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 90 में से 80 क्वेश्चन तो आपके होंगे होंगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी को बिलोंग करते हुए डायरेक्ट, लेकिन वो समझना आपको अच्छे से होगा कर अच्छे से पाए। 10 क्वेश्चन थोड़े से पेरिफेरी से घूमते हुए होंगे और उसके ऑप्शन ऑप्शन जो होंगे वो हमेशा थोड़े से एडवांस वाले होंगे, उस तरह में से एक आध ऑप्शन शायद एनसीईआर में दिया भी ना हो, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए तो आंसर क्या हुआ 10 का, 10 का इज कॉम्पिटिटिव रिलीज, मतलब कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द बार्निकल इन विच सुपीरियर बार्निकल बैलेनस डोमेस्टिकेट या डोमिनेट द इंटरनल इंटरटाइडल एरिया द एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्निकल क्लेंथस। अब यहां पे हो क्या रहा है, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन हो रहा है और कंपटीशन स्पेसिफिक स्पीशी के अंदर हो रहा है जो कि एक को रिलीज कर रहा है वहां से, हटा दे रहा है जोन से, हटा दे रहा है दूसरे वाला, एक एक जो है दूसरे को वहां से हटा देता है, दिस इज व्हाट दिस इज कॉम्पिटेटिव रिलीज। तो इफ टू यूजली अगर व्हेन द टू स्पीशी कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, अगर दो स्पीशी एक रिसोर्स के लिए फाइट कर रहा है और उसमें जो है एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को वहां से ऑर्गेनिज्म को हटा देता है, रिलीज करता है एरिया से, तो दिस इज कॉम्पिटेटिव रिलीज, ठीक। ये जोसेफ पॉलन ने 1961 में डोमेस्टिक कॉम्पिटेटिव रिलीज के बारे में स्टडी किया था, तब ये इंफॉर्मेशन निकाली बैलेनस पर और कैथेंटेनस पर उन्होंने वर्क किया था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 11 पर आओ। क्वेश्चन 11 कहता है बच्चों, 11th इज डैश इन द बर्ड्स, डैश इन द बर्ड्स, सिमरन सब के गलत आंसर देख के मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, नहीं सिमरन तुम अपना लगाओ, यही मैं कह रहा हूँ, कभी भी सोचो मत देखिए और बच्चे क्या लगा रहे हैं, तुम अपना लगाओ अपने अकॉर्डिंग, वो गलत होता है होने दो, कितना गलत होने दो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को ही प्रायोरिटी दो, दूसरा क्या लगा रहा है उसे बिल्कुल मत वो कि वो अच्छा सही लगा रहा है गलत लगा रहा है उसे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आप सोचो क्या होना चाहिए वो लगा दो जस्ट, दैट्स इट। क्योंकि प्रिपरेशन आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, दैट्स इट, आंसर भी आपका अपना होना चाहिए, किसी के आंसर को मैच करते हुए बिल्कुल मत सोचो कि उसने लगाया तो सही होगा। यस बच्चों ये इजी क्वेश्चन है, आसान लग गया होगा आपका। इन द बर्ड इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड द होस्ट इनक्यूबेट देम, होस्ट पेयर को इनक्यूबेट कर रहा है,
है ना, डन, कलियर सिमरन, वेरी गुड। तो आप इसको क्या लोगे, सभी ने सी लगाया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रूट पैरासिटिज्म इसका एग्जांपल है, और ये ब्रूट पैरासिटिज्म एग्जैक्टली है क्या, सोशल पैरासिटिज्म एक तरह का, क्या है, सोशल पैरासिटिज्म है ये एक तरह का, ठीक है। ये कहां मिलता है आपको, कुकू में, कुकू है ना, कोयल वगैरह, एंड कॉबर्ड, कॉबर्ड भी शो करती है ब्रूट पैरासिटिज्म को। तो ये दोनों एग्जांपल हैं, कोको एंड कॉबर्ड इज एग्जांपल ऑफ ब्रूट पैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। राइट राइट, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। आप इसमें ध्यान रखना, नॉट नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म तो कौन सा इनमें से नहीं है, 12th में एग्जाम्पल बताओ, क्या कहते हो, आंसर आ गया 12th का सी, सभी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, सिंबायोटिक, यस, यहां पर क्या हो रहा है, कॉमेंसलिज्म में सिंबायोटिक एसोसिएशन है, जहां पर बिटवीन दो ऑर्गेनिज्म बीच में, जहां पर एक तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरा ना तो बेनिफिट उठा पा रहा है ना ही उसको हार्म हो रहा है। तो आपकी जो सिंबायोटिक एसोसिएशन यानी कमेंसलिज्म, यहाँ पे जो हम कमेंसलिज्म की बात करते हैं, तो कौन सा नहीं है, पहली बात तो कौन कौन शो करता है, सी एनेमोन एंड क्लाउनफिश शो करते हैं कमेंसलिज्म, एपीफाइट एंड ऑर्किड एंड मैंगो ये शो करते हैं बच्चों, लीवर फ्लूक एंड फ्ली ये वाला एग्जांपल जो है ये कॉमेंसलिज्म को शो नहीं करता है, राइट, एंड कैटल ऑर्किड ग्रेजिंग ये भी शो करता है। तो आंसर सी बेस्ट है सभी का, ठीक है, सी फॉर ओके, बिल्कुल राइट, अल्फाज सही है, ओके okay. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं। और अगर बात करते हैं ये जो आपका एग्जांपल लिया था, वो अगर हम कह किसी का जो एग्जांपल जैसे यहां पर आया, अगर पूछेंगे किस तरह का एग्जांपल है, लेवर फ्लू का, ब्लड एंड फ्लीज, ये एंडोसिम्बायोसिस का एग्जांपल में आता है, ये क्या, दीज आर द टाइप ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, नॉट कमेंसलिज्म, ये एंडोसिम्बायोसिस का एग्जांपल है। चलो अब आ जाइए नेक्स्ट पर, ये वाला पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई 13 बहुत इजी है, इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड टू बोथ द स्पीशी इन, यस भाई, दोनों ही केस में स्पीशी दोनों ही डिटरमिनेटर होते हैं एक इंटरेक्शन में, वो कंपटीशन ही होगा जिसमें दोनों ही स्पीशी जो इन्वॉल्व हुए हैं डिटरमाइन करेंगे इंटरेक्शन को, दैट इज व्हाट कंपटीशन, कंपटीशन वुड बी द राइट आंसर, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, 13 का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14th पे आओ, मैक्सिमम जितनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इस पर एक एक सेशन रखा है, इकोलॉजी पे एक एक सेशन रखा है सभी चैप्टर का। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, तो आप क्या कहोगे, ये सोचो, नंबर वन ऑप्शन कहता है 34, यस, हैबिटेट इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, किसके बारे में हो रही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहली बात ये ध्यान लेना, अंडरलाइन कर लो उसको, तो हैबिटेट इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ठीक है जी, बायोटिक, सेकंड बी, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद ईच अदर, ये भी ठीक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गई। सी पे आइए, एबायोटिक कंपोनेंट अलोन कैन कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, भाई यहां पर ये गलती हो गई है, ठीक है, सी इज रॉन्ग वन, जो इनकरेक्ट है, ये खाली एबायोटिक कंपोनेंट को डिटरमाइन करा रहा है कि हैबिटेट उसको डिफाइन करेगा, नहीं, मेजर एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये ठीक है। तो हमारे पास सी आंसर है जो इनकरेक्ट है, चलिए आपका सबका सी होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, कितने क्वेश्चन होंगे भाई सारम, अगर 90 क्वेश्चन की बात करें तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन की बात करोगे तो 70 से 65 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, लाइन टू लाइन में हो सकते हैं वो मैक्सिमम, ऑप्शन हो सकता है एक दो एक आध ऑप्शन नया लगे आपको, लेकिन फिर भी ओवरऑल जाओगे तो 75 क्वेश्चन लाइन टू लाइन ऑप्शन एनसीईआरटी उठा के हो सकते हैं भाई, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा एनसीईआरटी के कंसेप्ट से थोड़ा उठकर होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा आईक्यू लेवल अप्लाई करोगे, थोड़ा आसपास की चीजों को पता है, आइडिया लोगे, तब जाके वो चीज कर पाओगे इस क्वेश्चन को, हो सकता है गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं उस केस में भी। और अभी के जितने भी फिलहाल की जो जीके चल रही है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, मेजरली हेल्थ रिलेटेड है, कोरोना वायरस वगैरह एंड ऑल दिस, या से पहले 2-3 महीने के आसपास में जो जो चीज नई नई हुई है, उनको जरूर पढ़ लेना अच्छे से, उनके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन ले लेना, तो आपको हेल्प कर पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, यह सोचो क्या आंसर होना चाहिए। अल्फा से ए दे दिया, यस जीएमसी में प्रणल आप, ओके जनरल मेडिकल। हाँ तो राम रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी दो ऑप्शन और दे रहा हूं, ये दो ही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन है लाइट इज असेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ओके चलो समझते हैं ये स्टेटमेंट सही है, हम चलाते हैं आगे। मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट अंडर द कैनोपी टू टॉल ट्री इन फॉरेस्ट शो द ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल लाइट ड्यू टू हैविंग लार्ज साइज एंटीना एंड लार्ज या हायर नंबर ऑफ थैलोपोइड, ठीक है जी ये भी सही है, ज्यादा ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर पाए, वैसे ही ऑलरेडी लाइट कम पहुंचती है उनके पास में। ठीक तो ये दो स्टेटमेंट की बात करते हैं, सी थ्री की बात करते हैं। 15 पर कौन सा क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, 15 पहुंच चुके हैं राइट। तो यूवी रेज आर नॉट हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म, यूवी रेज आर नॉट हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म, ओके। फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट इज असेंशियल फॉर मैनी प्लांट फॉर फ्लावरिंग, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। डी रेड एल्गी कैन लिव इन डीपर वाटर फॉर सी बिकॉज ऑफ हैवी पिगमेंट फाइकोरैसिन, ठीक है फाइकोरैसिन की बात रही, ये भी ठीक है। तो 1, 2, 4 एंड 5 आर राइट स्टेटमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बात हो रही है यूवी रेज आर नॉट हार्मफुल, भाई यूवी रेज हार्मफुल होती हैं, देखोगे अगर बात करते हैं यूवी बी की बात करते हैं, यूवी बी की बात अगर करते हैं तो यूवी बी आपको कॉज करता है सनबर्न, सनबर्न का कंडीशन आता है प्लस स्किन कैंसर के डेवलपमेंट होते हैं इससे, ठीक है। यूवीसी की अगर बात करते हैं, इसका जो फैक्टर है यूवीसी, इट इज कार्सिनोजेनिक एंड स्किन कैंसर कॉज करता है। यूवीसी और यूवीबी दोनों ही बहुत हार्मफुल होती हैं, तो आपको जनरली हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हार्मफुल है, यहां लिखा है नॉट हार्मफुल। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 16 पर, राइट बच्चों सही आंसर आ गया, हाँ दिनेश के स्लो ब्लाइंडनेस वगैरह कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है। 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, थर्मो रेगुलेशन एनर्जेटिकली लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड, क्या ये स्टेटमेंट सही है बताओ, आपको करना है सॉरी इनकरेक्ट लेना है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, आपको इनकरेक्ट निकालनी है, अंडरलाइन कर लो पहले कौन सी इनकरेक्ट है, चार आपको हैं, चारों में से आपको करेक्ट इनकरेक्ट लगते हैं फ्रांस निकालना। तो पहली जो आपको है थर्मो रेगुलेशन लीस्ट एक्सपेंसिव, ये लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, मोर एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस है वो बॉडी की हीट को मेंटेन करना होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, श्रू और हमिंग बर्ड्स के केस में काफी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो ये मोर एक्सपेंसिव या एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो लीस्ट एक्सपेंसिव लिखा गलत है, यानी पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई। दूसरे पे जाओ, 99% एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है ये बात सही है कि जो इंटरनल एनवायरमेंट की कंडीशन कहते हैं होम्योस्टेसिस, तो 99% एनिमल जो होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर या टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पर, तो ये राइट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट होगी थर्ड। थर्ड पे चलते हैं, स्टेट ड्यूरिंग विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द कॉस्ट एंड हाइट्स ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर डिस्कार्डेड, नहीं भाई ये काफी ज्यादा कंटिन्यू किया था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, आपको दो रॉन्ग मिल गए 1 एंड 3। 4 पे चलिए, इन एक्वाटिक एनिमल ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद द एम्बिएंट वाटर, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, ठीक है ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो दो स्टेटमेंट रॉन्ग मिली 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 के अकॉर्डिंग क्या आपको आंसर मिलेगा, यहां पे मिलेंगे 1 एंड 3 पे जाओ, तो सी ऑप्शन आपका राइट आ गया, ठीक है। चलिए बी सी डी के, ठीक है बच्चा, चिराग जी शॉर्टकट लिखते हैं आप सिमरन सर आपने स्पैमिंग ऑफ की हुई है क्या, आई एम नॉट एबल टू कॉपी पेस्ट, नहीं बच्चे ऐसा मैंने कुछ नहीं किया हुआ है ना, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया हुआ, डोंट वरी। जो अगर कुछ गलत लोग आते हैं तो बस उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं अपनी तरफ से, आप लोगों को लगता है आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो उन लोगों से आप ब्लॉक कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। आपको पढ़ना है क्वेश्चन कीजिए, आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। 17 क्वेश्चन पे आइए,
विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एलेंस रूल। अब एलेंस रूल आपने पढ़ा हुआ होगा, तो इनमें से चार ऑप्शन मेरे पास हैं, चारों में से कौन सा जो है एलन रूल को अप्लाई करता है या इंफॉर्मेशन देता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बना है और काफी बार आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए करने ही हैं 17 पर। पहला ऑप्शन, एक्वाटिक मैमल हैव ब्लबर एज इंसुलेटर, ये एलन रूल की बात नहीं करता। आपने पढ़ा होगा एलन रूल क्या कहता है, जितने भी मैमल्स होते हैं वो जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके एक्सट्रीमिटीज यानी कि ईयर हो गया, लिम्स हो गए, उनका साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? वो बॉडी से हीट कम लॉस हो पाए, क्योंकि जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं ये बॉडी से हीट लॉस कर रही होती हैं, और आपका जो ऑर्गेनिज्म है मैमल है वो कोल्डर क्लाइमेट में रहता है, तो उसको अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, संभाल रखना है, तो उसके लिए उसकी एक्सट्रीमिटीज का साइज छोटा होगा तो कम से कम हीट लॉस होगी। तो बी आंसर आपका एलन मूल के बारे में बता रहा है। सी कहता है मैमल ऑफ ह्यूमिड वाटर, ये बिल्कुल भी नहीं कहता, और डी भी नहीं कहता, तो आंसर आपको मिल गया होगा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, गिवन बिलो आर सम एग्जांपल एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ अडेप्टेशन। नंबर वन, अब देखो यहाँ पर कुछ टाइप के अडेप्टेशन की बात की गई है। नंबर वन, बास्किंग बाय डेजर्ट लिजार्ड इन सन, भाई डेजर्ट के लिजार्ड जो होते हैं सन में जाके अपना सन ले रहे हैं, बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करा रहे हैं ताकि मैक्सिमम सनलाइट को लेकर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करा पाए, ठीक है। तो क्या ये आपका एक तरह का एडेप्टेशन तो है, लेकिन किस तरह का एडेप्टेशन है, तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशन में आता है। चलिए, हाइडिंग इन बरो बाय सम एनिमल्स, तो ये भी आपका एग्जैक्टली हाइड करना मूवमेंट है, बरोस में जाके अपने को छुपा लेना, ये एक तरह का मूवमेंट है जो एनिमल एक का एक बिहेवियर है अपने अडेप्ट कराने के लिए, तो ये भी शो करता है बिहेवियरल अडेप्टेशन को। वियरिंग ऑफ वूलन क्लोथ, ये भी एक तरह का गर्म कपड़े आजकल पहन रहे हो, सर्दी है दिल्ली के अंदर या शिमला में गर्म कपड़े पहनते हो, ये क्या एक तरह का अडेप्टेशन है, आप आपका बिहेवियर है, क्योंकि उस सर्दी में आपको बचाना है, अडेप्ट कराना है, तो वियरिंग वूलन क्लोथ इज ऑल्सो बिहेवियरल अडेप्टेशन। थर्मल गैपिंग भी, ये भी बिहेवियरल अडेप्टेशन होता है, तो चारों के चारों जो है शो करते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन को, ठीक है। राइट, डी बिल्कुल सही कहा आपने बच्चे, सही है आप अमिता, नीचे ऑप्शन ही है, हाँ बच्चे नीचे ऑप्शन ही था, वो सब छुप गया होगा सस्ता, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। हाँ, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं बच्चों, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी ला रहा हूं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस, इनमें से चारों में से कोई एक एग्जांपल ऐसा है, एक स्टेटमेंट ऐसा है जो एकदम से पैरासिटिक है, एकदम से ट्रू पैरासिटिक कंडीशन में आता है, बताओ। अनुराग यहां से लगा दिया अपना, अनुराग डी, या डी एकदम से ट्रू पैरासिटिक में नहीं आता, नहीं डी। ईशा जी आप सही जा रहे हैं, हेड लूज लिविंग ऑन ह्यूमन स्कॉल, ये एकदम से ट्रू पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, ट्रू, ठीक है। बाकी सब आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूट पैरासिटिज्म, बिल्कुल सतवंशा आपने कहा ब्रूट पैरासिटिज्म का पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर पूछता है काफी हद तक ये टाइप ऑफ पैरासिटिज्म ही है, तो दिस इज योर ट्रू पैरासिटिज्म, हैड लूज वाला हार्म हो रहा है वहां पर आपकी बॉडी को उसके ग्रो करने से, राइट, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाँ भाई थक गए, मैच द फॉलोइंग पॉपुलेशन एग्जांपल यहाँ दिए हैं, और यहाँ पर अब बच्चा पूछे सर मैच द फॉलोइंग वाले ले आओ, तो ठीक है मैच द फॉलोइंग वाले आ चुके हैं आपके सामने, अब मैच करो, किसको किससे मैच करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, प्रिटेशन, आप लोग आंसर लगाओ फिर मैच करूंगा मैं। राइट है, राइट है, अल्फास निगम 20 का आंसर ए लगा दिया, क्या बात है, बहुत फास्ट हो यार तुम लोग, है ना, खतरनाक, ऐसे एग्जाम के टाइम भी करना सही तरीके से, बिल्कुल सही लगाया आपने आंसर वैसे। ए प्रिटेशन को मैच करते हो आप 3 से, कैक्टस एंड, राइट है, और बी को कॉमेंसलिज्म को मैच करते हो आप 4 से, ऑर्किड वाला भी एग्जांपल देखा भी था शायद हमने, है ना, ये वाला, ठीक है। पैरासिटिज्म एग्जांपल आपने देखा है सी का 1, कस्कटा का हेज प्लांट्स पर, और कंपटीशन एग्जांपल आपने देखा ये थोड़ा बैलेनस एंड कैथेमेलस, राइट, चलिए कैथेमेलस। क्वेश्चन नंबर 21, अब इस क्वेश्चन में आपको कॉलम वन कॉलम टू दिए हैं, और कॉलम वन कॉलम टू को मैच करना है, और चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो भाई कॉलम वन में पैसिफिक सैल्मन फिश किसको मैच करोगे इससे आप,
एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी क्या लोगे एक्सप्लेनेशन में ऑयस्टर का? यस बताओ जल्दी से, मैच करके देखो आप लोग क्या लगाते हो। क्वेश्चन नंबर 21 पे हैं आप, इजी है, थोड़ा सा मैच करोगे, थोड़ा वो मिला लो पहले जो आपको लगता है कि यस इसका आंसर ये वाला है वो मिला के फिर लगा लोगे, आंसर हो जाएगा, इजीली निकाल लोगे आप लोग आंसर। फिर 21 पर 21 का सारंग ने दिया डी, बहुत अच्छा है सारंग। यन शेप पर चेक करो, कहीं गलती हो गई बच्चा आपसे थोड़ी बहुत। बाकी सी आंसर दिया है हमें जतिन ने, प्लीज चेक करो जतिन एक बार को, हो सकता है कहीं भी मिसमैचिंग हो गई है। अभिषेक प्लीज चेक करो बच्चा, वो भी आप भी चेक करो, तो मैं आप चेक करके बताता हूँ कौन सा सही होना चाहिए। देखो अगर हम मैच करते हैं 21 के ऑप्शन नंबर पैसिफिक ओ को, ठीक है, तो 21 में हम मैच करते हैं आंसर हमें मिलता है डी एग्जैक्टली ए, राइट। ए को हमने मैच कराया टू से, पैसिफिक सैल्मन फिश जो होती है ब्रीड करती है ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ठीक है। दूसरा आइए बी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंग्लिश आर टी, दिस इज व्हाट, दिस इज योर थ्री एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को शो करता है ये। ओइस्टर्स जो हैं लार्ज नंबर स्मॉल साइज ऑफरिंग प्रोड्यूस करते हैं, और ये डीएन बाई डीटी वाला जो इक्वेशन दिया गया वन हॉल्स पर इक्वेशन है, तो ये अब इसमें कौन कौन से आपको लगता है, एक पैसे वाला मिला लोगे आप आसानी से, और ओइस्टर वाला मिला लेते हैं और डी वाला लेते हैं। अब हो सकता है ये वाला जो है बी वाला थोड़ा डाउट लग रहा होगा, तो वो आप बच जाता है उसको मिला सकते हो, या दो तीन मिला लो बाकी के छूट तो एंगेज कर लेना, आसानी से हो जाता है फिर वो क्वेश्चन नंबर। हाँ मिरिनॉय जी, मिरिनिमॉय भगवती, बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी। बच्चे बेस्ट बुक तो आपको मैं कहूंगा एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आप क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से करो, लेकिन उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि आप ले सकते हो एनटीजी का फिंगर टिप, उससे भी क्वेश्चन अच्छे से ठीक दिए हुए हैं फिंगर टिप वाले पर, एनसीईआरटी फिंगर टिप वो कर लो, और अरिहंत की बुक भी आती है उनसे कर सकते हो, लेकिन मेजर मेजर इंफेसिस करना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पर, मेजर टाइप पर, थोड़ा सा नहीं है कि 70-80% तो वहां से आपके आना ही आना है, अच्छे से आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ए कोई एक बुक दो बुक जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन फॉलो करना है तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से वर्ड बाय वर्ड कई बार पढ़ना है, समझना है, लर्न करना है, डायग्राम को अच्छे से करना है, तब जाकर आपको आगे मूव करना है। और क्वेश्चन में आपको किसी एक एनटीजी से कर लो, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, अली के भी ठीक क्वेश्चन है, लेकिन आजकल एनटीजी में कुछ ऑप्शन दिया हुआ अच्छा कलेक्शन है, ठीक। चलो अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, गिवन फिगर फ्लो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन दिस फ्यू पार्ट ऑफ मार्क एज ए, दिखा है यहाँ पर हमें ए एग्जैक्टली इस लोकेशन इज, बी की लोकेशन ये दी गई है एग्जैक्टली बी, और सी वाला लोकेशन ये दिया गया है, तो आपको मार्क करना है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। अब यहाँ ध्यान दे रहे हो आपकी ए वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हो तो मीन एनुअल टेम्परेचर काफी हाई है, कितना है काफी हाई है, यानी कि यहाँ पे 25 से 30 के, 25 से 35, 25 के 25 के अराउंड हाई टेम्परेचर मिल रहा है इस तरह के डेजर्ट एरिया में। और प्रेसिपिटेशन कितना है यहाँ पर दिया, प्रेसिपिटेशन तो प्रेसिपिटेशन भी 450 के अराउंड तक जा रहा है, तो ऐसे कौन से आपके डेजर्ट्स होते हैं जहां पर, सॉरी फॉरेस्ट होते हैं जहां पर इस तरह का मिलता है, तो ये हमारे पास फॉरेस्ट, तीन तरह के फॉरेस्ट दिए हुए हैं। अब मैच करके देखो ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, और सी में क्या आएगा, कोई बात नहीं झाजी आप थोड़े लेट हो गए हो, लेकिन काफी हमने क्वेश्चन किए हैं, 23rd क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ट्रॉपिकल नहीं बच्चे ए, हाँ हाँ बताओ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले वाला पक्का चेक कर लो, बाकी तीन को भी मिला लो, बाकी तीन को भी मिला लो, तो पहला वाला ठीक है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहला बन जाता है हमारा। और बी में आते हो, बी में देखो बी में क्या हो सकता है, बी में बी कैसा है, बी वाले एरिया में आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज कितनी है, लगभग लगभग भाई बहुत ज्यादा नहीं, 25, 20 से 22 तक गई है मैक्सिमम, और नीचे गई है टेम्परेचर 10 तक गया है, तो एक कम भी टेम्परेचर मिल रहा है और हाई टेम्परेचर 22 तक गया है, और यहाँ पर रेनफॉल जो है प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 200 से 220 के आसपास रहा है मैक्सिमम, तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में जाएगा, तो ये आप जाओगे तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट कह सकते हैं उसको, तो बी हमारा हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट,
और ए हमारा हो गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ए हो गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और लास्ट वाला बचता है वो आपका हो जाता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जहाँ टेम्परेचर और एनुअल मीन जो प्रेसिपिटेशन है दोनों ही कम है, दैट इज व्हाट कॉनिकल, ये आपका जो हो गया सी वाला पोर्शन कहा गया जी, ये रहा सी, दिस इज योर कॉनिकल या कॉनिफेरस, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास आंसर ए बेस्ट बन गया, सभी का आंसर मैच कर गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये वाला ग्राफ भी एनसीईआरटी से ही एकदम से आप पहचान के आपको याद आ गया होगा ये किस पॉइंट पर है, सारंग ओके अवंतिका शायद इसका टू पार्ट, सर आई मिस लॉट सारंग ओके। हाँ, कल का टॉपिक क्या होगा बच्चा अवंतिका, कल का जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट पर होगा, नेक्स्ट का मतलब होगा आपका अगला क्वेश्चन कराएंगे मतलब हम लोग, ठीक है राइट, अगला मतलब अगला चैप्टर सीक्वेंस में जो होगा वही देंगे हम लोग। तो 59 यानी कि इस वाले ये 59 का सीक्वेंस में हम जाएंगे तो ये 23 बनेगा हमारा, 23 आ जाएगा। 23 में क्या है बताओ, यस तो इस केस में आपको ग्राफ दिवन है, तो गिवन फिगर शो द डायग्रामेटिक मैच रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स, विच ऑप्शन गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ए बी एंड सी इन रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। तो भाई ए कौन हो सकता है, यहां देख रहे हो यहां पर आपका एकदम स्ट्रेट चल रहा है, दिस इज ए, आप एनसीईआरटी में गिवन है, दिस इज योर कॉन्फॉर्मर्स हैं, ये क्या है कॉन्फॉर्मर्स हैं, कंफर्मर्स हैं। बी कौन से हैं, बी रेगुलेटर्स हैं, बी आप देख रहे हो ना यहाँ पर स्टेट चलता गया है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपनी बॉडी टेम्परेचर के मॉडल को रेगुलेट किया हुआ है इसने टोटली, तो बी इज एक्चुअली रेगुलेटर्स हो गए एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट एक्जेक्टली। और सी जो है पार्शियल रेगुलेटर की कैटेगरी में जाते हैं, ये पार्शियल थोड़ा सा चला कंफर्मर की तरह, उसके बाद भी वो रेगुलेट करना शुरू कर दिया, दीज आर पार्शियल रेगुलेटर की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, तो आंसर हम मैच कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाता है कौन सा सी कंफर्मर, बी रेगुलेटर एंड सी पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 पर हैं आप लोग, स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व गिवन बिलो, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और आपने पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को पहले पढ़ा है, उनकी इक्वेशन भी पढ़ी है, अब डायग्राम के बेस पर कौन सी वाली इक्वेशन, कौन सा वाला ग्राफ जो है किस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको बात आपने करनी है, और जल्दी से बताना है इसका क्या होना चाहिए। 24 था राइट, सारण ने आंसर लगा दिया, सी सारण चेक करो इस बार गलती हो गई आपसे, जहाज जी थोड़ा लेट हो गए हो, कोई बात नहीं बच्चे, बस थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना पीछे जाके, एक बार खत्म होने का सेशन जब पूरा अपलोड हो जाए तब आप उसको पीछे से कर लेना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लाज्मा चेजर ने कहा वन एक्सपोनेंशियल है सर, टू लॉजिस्टिक है, बिल्कुल सही कहा आपने, वन एक्सपोनेंशियल है टू लॉजिस्टिक है, तो ऑप्शन आपके बन गए ये। अब मेरे पास आप देखो वो तो पहचान लिया आपने कि सर ये तो है 24 का टाइप वन जो है आपका एक्सपोनेंशियल है, टाइप टू जो लॉजिस्टिक, लेकिन साथ में हमने दी हुई है इक्वेशन के साथ में कर्व इक्वेशन, जो कर्व की इक्वेशंस हैं वो भी मेंशन की है वन एंड टू की, ये वाली वन के लिए है और ये वाली टू के लिए है, तो अब ये भी मैच करना है कौन सी वाली इक्वेशन मैच करेगी, अब आंसर क्या लगाओगे। यस बच्चों आंसर बी लगाया सभी ने, बी कह रहे हो राइट, 24 का बी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन आपको याद है तो आप आंसर लगा दोगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन वी डीन बाय दिस एंड द लॉजिस्टिक की ये वाली होगी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहां पर हमारे पास है ये थोड़ा सा माइंड को यूज करने वाला है बहुत आसान, कूल माइंड से करना आसान से हो जाएगा। 25 क्वेश्चन, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया गया, टू स्पीशीज ऑफ प्रोटिस्ट राइट पैरामीशियम, भाई टू स्पीशीज ऑफ प्रोटिस्ट ने पैरामीशियम लिए एंड वर ग्रोन अलोन, उनको ग्रो कराएगा अलग अलग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी, और दूसरी स्पीशी के साथ भी ग्रो कराएगा साथ में, दोनों कंडीशन अलोन ग्रो कराया और दूसरी स्पीशी के साथ भी ग्रो करा के देखा। तो फॉलोइंग ग्राफ शो द ग्रोथ स्पीशी वन, पहला वाला जो ग्राफ आया यहाँ पे ग्रोथ स्पीशी, जो स्पीशी वन है जब ग्रो कराया अलोन तो ये वाला ग्राफ आया, जब स्पीशी वन को ग्रो कराया विद स्पीशी टू के साथ तो ये वाला ग्राफ आया। इसी तरह से स्पीशी टू हमारे पास कोई उसको अलग से ग्रो कराया अलोन ग्रो कराया तो ग्राफ आपका ये वाला आ रहा है, दिस इज अ ग्राफ जब स्पीशी टू को ग्रो करा रहे हैं,
जब स्पीशी वन के साथ क्लो करा रहा है तो ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो अब ये आपने देख लिया ग्राफ को, अब यहां देखो क्या हो रहा है। ऑप्शन है ये, आपको इंटरप्रिटेशन दोनों ग्राफ के बेस पर निकालना है कि चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। हाँ, पहली ऑप्शन कहती है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर इन दीज एक्सपेरिमेंट, दूसरी स्पीशी कहती है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है बोथ स्पीशी अफेक्टेड बाय द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बट स्पीशी वन इज लेस अफेक्टेड। क्या स्पीशी वन लेस अफेक्टेड हो रही है? देखो भाई, स्पीशी वन की केस में अगर स्पीशी वन को हम अलोन ग्रो करा रहे हैं तो ये है, स्पीशी वन को जब साथ में ग्रो कराया तो ये आए, तो अफेक्ट तो कर रही है लेकिन ये अफेक्ट जो है काफी बड़ा अफेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, स्पीशी टू के केस में क्या है कि स्पीशी टू को अलोन ग्रो कराया तो ये ग्राफ आ रहा है, और स्पीशी टू को ए के साथ जब ग्रो कराया वन के साथ ग्रो, तो यहां पे चेंज है बहुत माइनर चेंज है, यानी अफेक्ट जो है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत थोड़ा अफेक्ट पड़ता है अगर टू के साथ ग्रो करा रहे हैं सेकंड स्पीशी वाले को। तो बोथ स्पीशी अफेक्टेड ये तो बात ठीक है, एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बट स्पीशी टू इज लेस अफेक्टेड, ये स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। आंसर सी वुड बी द राइट वन, सी वुड बी द राइट वन। गलत हो गया ना सबका? मैंने कहा था ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर क्योंकि पहले वाले में देखो बी कब होता है, जब दोनों के बीच में गैप कितना है, अलग से ग्रो करा रहे हैं, यहां देखो दोबारा बताता हूं, या जब अलग से ग्रो करा रहे हैं तो देखो कितना है आ गया, जब स्पीशी टू के साथ ग्रो करा रहे हैं वन को तो कितना सारा गैप है, यानी अफेक्ट बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है इस पे तो, और वो सेकंड जो आपने आरोप लगाया वो कम इफेक्ट कर रहा है, तो आंसर सी वाला जो है इस वाले में टू को अगर ग्रो कराते हैं इंटरली तो ये है, जब साथ वन के साथ करते हैं ये बहुत डिफरेंस बड़ा नहीं आया टू वाले केस में, यहाँ पर डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं आया बच्चों, बहुत कम डिफरेंस आया, यानी कि बहुत ही कम अफेक्ट किया जब स्पीशी टू को वन के साथ ग्रो करा रहे हैं। तो आप कौन सा स्टूडेंट सही है कि दोनों स्पीशी अफेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बट स्पीशी टू जो है कम अफेक्ट हो रही है। बी के कहता है कि स्पीशी वन इज लेस अफेक्टेड, जो कि गलत है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लाज्मा चेजर। हाँ क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है क्वेश्चन, ये वाला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, मतलब सात आठ क्वेश्चन वाले जो कैटेगरी कर रहा हूँ उनके क्वेश्चन, उन क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है बस ये, अदरवाइज मेजर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आने होते हैं, कुछ चेंज करके आते हैं, इसलिए क्वेश्चन करता हूँ ऑप्शन के सारे ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर लो क्या हो सकता है ऑप्शन बनकर। 26 पे आ जाओ, मैनी एनिमल्स यूज द डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी, ठीक है जी, एंड फोटो पीरियड एज क्यू टाइमिंग ऑफ, यस आंसर क्या होगा? हाँ भाई इस केस में आंसर बहुत आसान है, डी जगमोहन, यस आपने सही कहा डी जगमोहन, बिल्कुल सही कहा आपने, जतिन आपने भी सही कहा, अमिता जी, यश, ओके, अमन मलिक बिल्कुल ठीक है यार, ईसा जी बिल्कुल ठीक है, अनुराग, अभिषेक, दैनिश इकबाल बहुत सही है, दैनिश आपका यार, आपका भी, आपका देखो आपका सी लगाया, सी नहीं होगा, ये ऑल ऑफ दीज है, सारी फैक्ट सारी सारी पॉइंट्स जो है ए बी सी तीनों मैच कर रही है उस केस में, ठीक है, तो आंसर डी राइट है। इधर आओ, कैंगरू रैट आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा और ये कंटेंट भी पढ़ा होगा आपने अच्छे से, कैंगरू रैट नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट है ऑफ, डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर, पानी ज्यादा नहीं पीता वो, क्यों? दे मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट से ले लेता है पानी का ऑक्सीडेशन, मतलब फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर ले लेता है, या फिर दे आर एबल टू कंसेंट्रेट यूरिन टू मिनिमाइज वाटर लॉस, या पानी की पानी को कंसेंट्रेट करता है मतलब ये मिनिमाइज करता है वाटर लॉस को, या दे डू नॉट हैव सेट ग्लैंड, या उसको सेट ग्लैंड होती है, या चारों बातें सही है इसके लिए। आंची यस वी हैव अमन मलिक, ए तो बी और सी भी सही है बच्चे, प्रशांत ऐसे ही बच्चे, वो भी आपका ए लगाया आपने, आगे आगे वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े, बाकी बाकी ऑप्शन को भी पढ़ो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है इस केस में। आ जाओ 28 पर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस सेक्शन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर डालो मेरे बच्चों। इफ फोर इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, टोटल फ्रूट फ्लाई 40 है, फोर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं उसमें से, डाई कर गए ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के दौरान, यानी एक वीक के दौरान 40 में से चार मर गए, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड वुड बी, आंसर इज क्या कहते हो? बहुत आसान है ना, मेडिकल ऑल क्यों हो जाएगा यार, इस वाले का बताओ ना इसका, इसका कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, बहुत आसान है, देखो मैं बताता हूं बहुत आसान है, आपको जो बी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं,
पर सी वाला कैलकुलेशन में गलती कर दी है। हम कहते हैं डेथ रेट पूछा गया है और डेथ रेट का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है। यस, नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ या टोटल पॉपुलेशन कह दो, टोटल नंबर ऑफ या पॉपुलेशन। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है हमारे पास जो 4 इंडिविजुअल डाई हुए और टोटल कितने थे 40 फ्रूट फ्लाई थी। कैलकुलेट करते हो तो आपको ये वैल्यू आ जाती है पॉइंट यानी 0.1 वैल्यू आएगा। तो आंसर हो गया इसका 0.1 है। इससे से ये बहुत इजी था, इस तरह से कैलकुलेशन सही रहा। तो बच्चों आपको सेशन में कुछ बेनिफिट हुआ, आपने कुछ क्वेश्चंस किए, आपको अच्छा लगा, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हुई है तो प्लीज लाइक द सेशन, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, सर के लिए मोटिवेशन होगा, राइट। और बच्चों जल्दी से जो न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइव वीडियोस आती रहती हैं ताकि उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अपने इस बेल आइकन को हिट कर देना ताकि वो नोटिफिकेशन आता रहेगा। और इस वाले दोस्त का भी कहना मानना, ये क्या कह रहा है, हिट एंड जस्ट लाइक द सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है आपको जो रह गया है प्लीज आप इसको डाल सकते हैं आपके कमिंग सेशन में या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। तो और आप अगर प्लस पे आ रहे हैं, प्लस पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ताकि डेडिकेट स्टडी कर पाए, टाइमली स्टडी कर पाए, शेड्यूल मैनर में कर पाए और डेडिकेट तरीके से पाए, तो बच्चों वहां पे सब्सक्रिप्शन चूज करने के टाइम पर आपको यूज करना है SP Live Code। SP Live Code डालेंगे रेफरल कोड में तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरी मेरी पूरी हेल्प आपको होगी, आपकी सक्सेस को अचीव कराने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आपके डाउट से लेकर आपकी गाइडलाइन एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू अलोंग विद माय नोट्स माइंड मैप एंड एवरीथिंग। ओके चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय बाय।